ऑस्ट्रेलिया वर्सेस स्कॉटलैंड का दूसरा मैच खेला जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में पिच रिपोर्ट कवर करने वाला हूं, किन गेंदबाजों या बल्लेबाजों को अपनी टीम में लेकर जाना है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने आपको बता के रखा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो अच्छे परफॉर्मेंस करके दिलाएगी, अगर चाहे चेस करती है तो अच्छे फॉर्म करके दिलाएगा। मैंने आपको बता के रखा था ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और जैक फ्रेशर के बारे में बता के रखा था, क्योंकि जैक फ्रेशर आउट हो गए थे बहुत जल्द। लेकिन आज का जो मैच होने वाला है मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला। अगर आप ग्रैंड लीग टीम बनाना चाहते हैं या ड्रीम इलेवन में अच्छे खासे रैंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको देखना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला, क्योंकि इस वीडियो में जितने सारे लोगों ने कल देखा होगा अच्छे खासे विनिंग किया होगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो आज का क्या इंपोर्टेंट चीजें होने वाली है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको वेन्यू होने वाला है जो कल के मैचेस में खेला गया था, तो आपको ग्रेग क्रिकेट क्लब यानी रिबर्न प्लेस स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। जो पहला मैचेस खेला गया था उसी स्टेडियम में दूसरा मैचेस भी खेला जाएगा और तीसरा मैचेस भी उसी स्टेडियम में खेला जाएगा। डेट आपको 6 सितंबर एंड मैच आपका 2:28, टाइम आपका 6:30 पर होने वाला है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है कि आज का खिलाड़ी कौन ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है अपने ग्रेट टीम में लेकर जाना है, और मोस्ट वेविलियर रन कौन अच्छा परफॉर्मेंस करेगा एंड मोस्ट विकेट कौन लेने वाला है। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो मेरे भाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है या पिच आपको देखने के मिलेगा, यानी आपको ग्रेग क्रिकेट क्लब से अगर स्टेडियम देखा जाए तो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मैंने पिछले मैच में आपको बता के रखा था स्टेडियम कैसा होने वाला है, तो सबसे ज्यादा अगर इसमें देखा जाए तो मैं आपको 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जो पिच होने वाला है ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैटिंग को सपोर्ट मिलेगा, एंड अगर वेस्ट अगर देखा जाए तो पेसर को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, यानी कल के मैच में देखा जाए तो पेसर ही सबसे अधिक विकेट निकाल कर दिलाए थे। एंड यहां पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है अगर इसमें देखा जाए तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया 60% जीतने की चांस है एंड स्कॉटलैंड 40% जीतने की चांस है, और पहला जो मैचेस हुआ था ऑस्ट्रेलिया इसमें विन किया था सिर्फ 9.4 ओवर में, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ताबड़तोड़ बैटिंग करके दिलाए थे, क्या मैचेस गया था। एंड आप यहां पर देख सकते हैं उससे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है अगर 5 मैचों का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया पिछला मैचेस अभी विन करके आ रहा है, बीच में 2 लगातार मैचेस लॉस मिला है और उसके बाद 2 लगातार फिर मैचेस विन मिला है। स्कॉटलैंड लगातार 2 मैचेस लॉस हो रहा है एंड बीच में 2 मैचेस विन मिला है एंड 1 मैच का रिजल्ट नहीं मिल पाया है। अब आपको ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें देखा जाए तो मैच अगर देखा जाए कौन सबसे ज्यादा विन किया है, अगर पिछला मैचेस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 1 ही मैचेस विन किया था, अब इसको 2 मैचेस विन करते हुए हो गया। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है अगर इसमें देखा जाए तो दोनों मैचों का रिकॉर्ड कैसा रहेगा पिच रिपोर्ट। तो सबसे पहले अगर पिछला मैचेस देखा जाए तो स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करते हुए 180 रन बनाता है 5 विकेट के नुकसान पर और ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबला को चेस कर जाता है। लेकिन जो कल मैचेस खेला गया था इसमें स्कॉटलैंड पहले बैटिंग करता हुआ 154 रन बनाता है जिसमें से इसका 9 विकेट गिर जाता है 20 ओवर में, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने आता है पहला T20 आई तो 156 रन बनाकर और इस मुकाबला को विन कर जाता है। अब आपको ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम अगर देखा जाए तो इसमें स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप देखा जाए तो इसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम 77 बार विन करने की चांस है एंड यहाँ पर चेस करते हुए टीम 52 बार विन करने की चांस है। एंड यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है कि आज का पिच कैसा रहेगा। अगर इसमें पिचेस मैचेस की बात करें तो ग्रेज क्रिकेट क्लब एडिनबर्ग की पिच को बल्लेबाजी के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट माना जाता है और इस पिच पर बल्लेबाज आसानी से सेट होकर बड़ी पारियां खेल सकते हैं, ज्यादातर मैचेस औसत स्कोर या अधिक स्कोरिंग पैटर्न कर सकता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है अगर इसमें देखा जाए तो स्टेडियम का बाउंड्री डिस्टेंस क्या होने वाला है, तो अगर स्टेट साइड में देखा जाए तो आपके सामने 58 मीटर का बाउंड्री होने वाला है, अगर राइट साइड में देखा जाए तो 60 मीटर एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो 60 मीटर, यानी अगर दोनों को मिला लिया जाए तो सेम बाउंड्री होने वाला है। पीछे का लंबी बाउंड्री है 70-65 मीटर का, लेकिन काउ कॉर्नर की बात करें 60 मीटर एंड यहाँ पर इस शॉर्ट में देखा जाए तो 60 मीटर का बाउंड्री होने वाला है, ज्यादा लंबा बाउंड्री नहीं है, इसमें अच्छे खासे बैटिंग करके दिलाने वाले। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है अगर इन दोनों के बीच में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट सबसे ज्यादा कौन बना चुका है, ऑस्ट्रेलिया एंड स्कॉटलैंड का बात करें तो आपके लिए पहला जो बल्लेबाज होने वाला ट्रेविस हेड होने वाला है जो इसमें सबसे ज्यादा रन 148 रन एंड यहाँ पर अगर इसमें देखा जाए तो एमसी देखा जाए
तो इसमें 79 रन एंड मार्केस टोनी 67 रन एंड यहाँ पर ब्रेस्टोन की बात करें 65 रन एंड मुंशी की बात करें यहाँ पर 63 रन एंड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मिचेल मार्श जो पिछले मैच में ताबड़तोड़ बैटिंग करके दिलाते थे 47 रन। इसमें अगर दिक्कत है तो यही आपको जो बल्लेबाज होंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बल्लेबाज होने वाले। अगर इसमें देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का आज प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो पहले नंबर पर आपको देखने को मिलेगा ट्रेविस हेड। तो ट्रेविस हेड अगर इनका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो ताबड़तोड़ बैटिंग करके दिलाए थे और जैक फ्रेसर पिछले मैच में आउट हो गए थे। मिचेल मार्श एंड यहाँ पर जॉस इंग्लिस, कैमरन ग्रीन, मार्कस स्टोनिक एंड टिम डेविड, असिन एबर्ट एंड जेवियर वाटलेट एंड राइली मेरिडिस एंड एडम जंपा होने वाले। अगर एडम जंपा को निकाल दिया जाए तो सारे ही बॉलर फास्टर है और अच्छे फॉर्म करके दिलाने वाले, क्योंकि आज का जो इंपोर्टेंट प्लेयर होने वाले लास्ट के मोमेंट में आपको क्लियर बता दूंगा। एंड उससे ज्यादा इंपोर्टेंट स्कॉटलैंड का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो पहले नंबर पर जॉन मुंशी जो पिछले मैच में ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, स्कॉटलैंड का कोई भी बैटर परफॉर्मेंस करके नहीं दिला पाया था। दूसरे नंबर पर ओली हेरियर्स, तीसरे नंबर पर ब्रेडन मैकुलम, चौथे नंबर की बात करें तो रिची वेरिस्टन एंड मैथ्यू क्रास विकेट कीपर में एंड यहाँ पर माइकल लेक्स एंड उसको तो मार्क वाट एंड जेक्स जाविडिस, चार्ल्स कैसेल एंड ब्रेड विल एंड जेक्सपियर और डेविसन, के आपको स्कॉटलैंड का 11 खिलाड़ी होगा जो इसमें अच्छे फॉर्म करके दिलाने वाले। अब आपको ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें देखा जाए तो आज का कौन सा 6 खिलाड़ी रहेगा जो अपने ग्रीन लीग टीम में पिक करके जाना है। अगर पहले प्लेयर की बात करें तो आपको बीएमसी होने वाले, जो इसमें पिछले मैचेस की बात करें T20I फॉर्मेट में 300 पॉइंट इन्होंने दे रखा है। लेकिन अगला बैटमैन की बात करें तो यहाँ पर ट्रेविस हेड होने वाले एंड उसके बाद जर्विस पिछले मैच में 294 पॉइंट एंड सेन एबर्ट 338 पॉइंट एंड वी वेल की बात करें 227 पॉइंट एंड एडम जंपा 255 पॉइंट। चाहे आप एक टीम बनाए, चाहे आप 6 टीम, चाहे 20 टीम बनाए, इन 6 खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी आज के लिए होने वाले। अब आपको ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें देखा जाए तो आज का ड्रीम टीम क्या हो सकता है, कौन सा वो 11 खिलाड़ी रहेगा जो अपने ड्रीम टीम में फिस करके जाना है। अगर पहले देखा जाए तो मैंने यहाँ पर मुंशी को ले रखा है विकेट कीपर में, अगर बैटर की बात करें तो बीएमसी को ले रखा है एंड ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को इस बार अपने टीम में कैप्टन बना के जाना, क्योंकि बॉलिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा और बैटिंग तो ताबड़तोड़ ही करके पिछले मैच में दिलाई थी। ऑलराउंडर में कॉमरन ग्रीन एंड एम लिप्स एंड मार्कस स्टोनिक, बॉलर की बात करें तो एस ब्रेसमैन एंड यहाँ पर एम वाट एंड ए जंपा एंड यहाँ पर सेन एवर्ट को ले रखा है। इस बार सेन एवर्ट को पिछले मैच में 3 विकेट निकाल कर दिलाए थे, इस बार मैं इनको अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना के जा रहा है जो इस बार अच्छे खासे फॉर्म करके दिलाएंगे। दोस्तों अगर इसमें कोई भी चेंजेज होता है, मान लीजिए अगर कोई प्लेयर नहीं है खेलता है, तो सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।